नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है विश्वास, एक रोचक कहानी। रस्सी पर चलकर बैलेंस बनाने वाले एक आदमी की ये कहानी है। एक बार ये आदमी दो ऊंची बिल्डिंगों के बीच रस्सी बांधकर उस पर चलने वाला था। उसने जैसे ही दोनों बिल्डिंगों के बीच बनी रस्सी पर पहला कदम रखा तो नीचे से देख रहे कुछ लोग वहाँ रुक गए। उन्हें ऊपर देखता देख आने जाने वाले लोग भी ऊपर देखने लगे और वहाँ देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। वो आदमी उस रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलने लगा। नीचे खड़े लोग उसे बड़े ध्यान से दिल थाम कर देख रहे थे। आदमी रस्सी पर आधा रास्ता तय कर चुका था, तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वह लड़खड़ाने लगा। लोगों की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उस आदमी ने जल्द ही फिर से संतुलन पा लिया। आदमी पूरी रस्सी को अच्छे से पार करके दूसरी तरफ पहुँच गया। सबको लगा उस आदमी का खेल ख़त्म हो गया है, लेकिन वह आदमी अपने बच्चे को कंधे पर बैठाकर फिर से रस्सी पर चलने लगा। सभी अब और उसे ज़्यादा ध्यान से देखने लगे। देखते ही देखते उसने सफलतापूर्वक इस बार भी रस्सी को पार कर लिया। अब वह आदमी बिल्डिंग के नीचे उतरा और भीड़ के पास गया। उसने सबको ऊंची आवाज़ से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं यह काम फिर से कर सकता हूँ? सभी ने तालियाँ बजाईं, सीटियाँ मारी और चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हाँ, तुम यह काम बिल्कुल कर सकते हो। आदमी ने फिर से पूछा कि आपको विश्वास है कि मैं ये काम दोबारा सफलतापूर्वक कर सकता हूँ? लोगों ने और भी ज़्यादा उत्साह से हामी भरी। अब आदमी ने जो कहा उसे सुनकर सब शांत हो गए। आदमी ने कहा, अगर आपको मुझ पर इतना भरोसा है तो लाइए इस बार मैं आपके बच्चे को कंधे पर बैठा कर यह काम करता हूँ। वहाँ जितने लोग थे उनमें से किसी के मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकली। कोई भी अपने बच्चे को उस आदमी को सौंपने को तैयार नहीं था। दोस्तों, ऐसा ही होता है, हमें दूसरे पर भरोसा होता है, लेकिन जितना भरोसा हम अपने आप पर कर सकते हैं उतना कभी दूसरों पर नहीं कर सकते। जब जीने मरने का सवाल आता है तब हम सामने वाला आदमी कितना भी काबिल क्यों ना हो उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इस रस्सी पर चलने वाले आदमी का ही उदाहरण ले लीजिए। इसने अपने बच्चों के लिए जितनी सावधानी बरती होगी वह शायद दूसरों के बच्चे को लेकर इतनी सावधानी ना बरते। इसलिए दूसरों पर एक हद तक ही विश्वास करें। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।